अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एसके किचनरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मीठी गुजिया। कुछ लोग कहते हैं उसे गुजे और कुछ कहते हैं गुजिया, तो आज हम आपको मीठे गुजे की रेसिपी बता रहे हैं। तो मीठे गुजे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए, मैं आपको बताऊं। मैदा लिया है मैंने यहाँ 2 कप, बेकिंग सोडा मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, पीसी हुई इलायची का पाउडर है 1 टीस्पून, घी हमने यहाँ लिया है 2 टेबलस्पून, पानी हमने लिया है 1 कप। अब ये यूज हाफ होगा, ये कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, एक बाउल ले लिया हमने यहाँ, उसमें हम डालते हैं मैदा, यहाँ बेकिंग सोडा हम डालेंगे, इलायची का पाउडर, घी। अच्छा जी, घी जब हम डालेंगे तो घी डालने के बाद पहले हम इसको मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चलिए जी, घी इसमें हमने मिक्स कर दिया है। और घी डालने के बाद अब आपने करना यह है कि जब आप इसको मुट्ठी में करें तो ये इस तरीके से बाइंड हो जाएगा, तो समझे आपका घी इसमें जब्स हो गया है। अब हम इसे पानी डाल के भूनना शुरू करते हैं। देखिए आटा हमारा भुन गया, हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लेके इसको दोनों तरफ से ऑयल लगा के 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट देंगे, फिर हम अपनी गुजिया बनाते हैं। जी तो नाज़रीन, गुजे का आटा हमने भून के 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया। अब हम गुजे के अंदर डालने के लिए जो फिलिंग है वो तैयार करते हैं। गुजे की फिलिंग के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। 1 कप मैंने यहाँ सूजी ले ली है, इसे मैंने भून लिया है। 1.5 कप इसमें पिसी हुई पाउडर शुगर है। काजू लिए हैं मैंने 2 टेबलस्पून। खोपरा लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। 1 टीस्पून पिसी हुई इलायची का पाउडर। 2 टेबलस्पून बादाम। 2 टेबलस्पून पिस्ता। और 25 ग्राम किशमिश लिए। इन सारे जो ड्राई फ्रूट हैं इनको ले मैंने 2-2 टेबलस्पून लेके इन सबको हमने क्रश कर लिया है। क्रश कर लिया है, अब हम ये भुनी हुई सूजी में हम शक्कर ऐड करेंगे और सारे जो ड्राई फ्रूट हैं वो ऐड करके हम इसकी फिलिंग रेडी करते हैं। मैंने ये इस साइज की हमें रोटी बेलनी है। ये देखिए, एक हमने बेल ली है, एक और मैं बेल रही हूँ। ये देखिए हमारी रोटी, ये हमने बेल ली है रोटी। अब हम इसमें जो हमारा ये मिक्सर है उसको हम यहाँ सेंटर में रखेंगे। देखिए हमारा गुजिया रेडी है। इसी तरीके से मैं सारे रेडी करके हम इन्हें फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम अपनी गुजियों को ऑयल में डाल रहे हैं। इस तरीके से आप ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारे जो ये गुजे हैं इतने अच्छे जबरदस्त से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए बस, अब हमें लाइट लाइट सा कलर है, अब हमें डिश आउट कर देंगे। जी इधर आज़मी, ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी गुजे हमारे तैयार हैं, गरम गरम ज़बरदस्त है। आप भी मेरी रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद स्पेशल गुजे हैं ये, ईद पे बनाइएगा, मेहमानों को पेश कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ एक बार फिर मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।